वर्तमान आंकड़े के बारे में कुछ बताइए, और जनता के मन में अभी भी थोड़ा भय है कि कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके सवाल के हिसाब से मेरा ये सवाल बनता है कि क्या वास्तव में कोरोना पॉजिटिव प्रतिशत बढ़ रहा है या रिकवरी प्रतिशत बढ़ रहा है? मैं आपके बताना चाहूँगा, उदयपुर में अब तक 545 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। 545 में से, चूँकि हमारे हॉट स्पॉट एरिया जिसमें गांजी का आटा, हेलावाड़ी, कुमारवाड़ा और ये जो मौली चोपड़ा, इस तरह का जो एरिया था जिसको हॉट स्पॉट एरिया हमने घोषित किया था, वहाँ पे ही 331 केस आने से एकाएक हमारे उदयपुर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई थी। लोगों में पेन भी हो गया था, लेकिन वहाँ जो स्ट्रेटेजी अपनाई, वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करी और बहुत ज़्यादा रैंडम सैम्पलिंग करी, जिससे हमको एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव भी मिले, उन सबको हमने शिफ्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और इनको एडमिट करने के बाद जो नेगेटिव पाए गए, 14 डेज़ के बाद इनको हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे एरिया को डिकंजेशन करने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी साहब इनके माध्यम से इन लोगों को लगभग 603 लोगों को 3 हॉस्टल में रखा था। इनको भी एक एक बार सैंपल नेगेटिव आने पर इनको भी घर भेज रहे हैं। इस तरह से अभी अगर हम आंकड़ा देखें तो 545 में से 419 क्योर्ड हैं, यानी कि वो लोग नेगेटिव आ चुके हैं। अगर ये आंकड़े के अनुसार देखें तो 76% हमारी जो रिकवरी रेट उदयपुर की है। बीच में ये बात हुई थी कि उदयपुर में रिकवरी रेट बहुत कम है, क्योंकि एक साथ केस आए थे तो एक साथ ही वो नेगेटिव आने थे, तो इसलिए हमारा एकदम से वो रिकवरी रेट कम था। लेकिन कल परसों तक हमारे जो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले 30% थी, वो अभी 76% हो गई है, और ये भी देखते दिन में और भी बढ़ने के चांस हैं। तो अगर इस तरह से 545 में से 419 क्योर हो चुके हैं और इनमें से 277 डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो 235 कल तक हो गए थे, 42 आज होंगे, और जो एक्टिव केस कह सकते हैं जिसके अंदर वायरस है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया है, जो बाकी है, वो लोग 123 ही बचे हैं। जो कल तक 70 थे, इसमें से 43 की और नेगेटिव आ गई। इस तरह से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि घबराए नहीं, डरे नहीं, हमारे क्योर रेट बहुत अच्छी है। जो डेथ भी हुई थी वो भी 80 साल के लोगों की हुई थी, 2 डेथ हमारे अभी तक हुई है। एक जो उसमें भी कोमॉर्बिडिटी थी, कार्डियक डिजीज थी, दूसरी बीमारियाँ थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। तो जो यंगस्टर हैं या जो 60 साल से कम हैं, जिसके साथ कोई बीमारी नहीं है, उनको ये वायरस कोई ज़्यादा खतरा वाला नहीं है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है, ये बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। तो जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, हमारे राज्य सरकार के ने भी एक मिशन लिखा, मिशन लाइफ सेविंग एक मिशन चला रखा है, जिसमें कंटेनमेंट जोन में जो भी हाई रिस्क ग्रुप के लोग जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर हो, या हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज हो, या प्रेग्नेंट लेडी हो, इन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पे मंत्री महोदय और एसएससी स्तर से डेली इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अभी हम मास्क का यूज़ करें, और फिजिक मंदिर में अगर लॉकडाउन खुल रहा है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक नहीं जाएँ, जो हैंड वॉशिंग की टेक्निक है उसका भी यूज़ करते रहें, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सावधानी रखें। धन्यवाद।